और अब बड़ी खबर दे दे आपको, ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाले नागरिकों को सम्मान। पीएम मोदी आज शुरू करेंगे सम्मान मंच। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी सम्मान मंच का शुभारंभ करेंगे। जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए खासतौर पर आज ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी की कर क्रांति, पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान। जो लोग टैक्स देते हैं और ईमानदारी से टैक्स देते हैं वे कानून को मानने वाले नागरिक हैं, वो समाज का दायित्व समझने वाले नागरिक हैं। टैक्स देने वालों को विश्वास हुआ है कि उसकी पाई पाई का सही उपयोग हो रहा है, इसलिए वो आगे आ रहा है। देश की आजादी की वर्षगांठ से ठीक पहले देश में ईमानदार करदाताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टैक्स से जुड़े एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट की शुरुआत करेंगे। माना जा रहा है कि इससे टैक्स को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी। मेरे देशवासियों, जो ईमानदार करदाता है, जो टैक्स देता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ईमानदार व्यक्ति कर देता है उन पैसों से ये योजनाएं चलती हैं, ये योजनाओं के पुण्याई अगर किसी को मिलती है तो सरकार को नहीं, मेरे ईमानदार कर देताओं को मिलती है, टैक्सपेयर को मिलती। विवादों को निपटाने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 भी लाया गया था। कई संस्थाएं इनकम टैक्स व्यवस्था को खत्म करने या ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने की मांग करती रही हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो इनकम टैक्स को खत्म कर देने की बात करते रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने अब तक करीब करीब 1400-1500 जैसे कानून जिनकी अब आवश्यकता नहीं है वो सारे कानून खत्म कर देने का हमने काम कर दिया। यानी एक प्रकार से मेरे कार्यकाल में हर दिन एक कानून खत्म होता है। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षों में कई टैक्स सुधार किए हैं। कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 30% से 22% तक लाया गया है और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए तो ये 15% तक कर दिया गया है। हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर, आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा। लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, साथ ही टैक्स का कलेक्शन भी कम हुआ है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपए रहा। इसमें सेंट्रल जीएसटी के रूप में 16,147 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी के रूप में 21,418 करोड़ रुपए और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी के तौर पर 45,592 करोड़ रुपए शामिल हैं। यानी पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल 14.36% की कमी आई है। टैक्स देना ये प्रकृति है, टैक्स न देना विकृति है, लेकिन टैक्स देने के बावजूद भी समाज के लिए कुछ और देना वो संस्कृति है। सरकार की इस पहल से यकीनन ईमानदारी से टैक्स देने वालों का हौसला बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।